अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं क्यूकम्बर जेल और क्यूकम्बर फेस टोनर। ठीक है, सबसे पहले हम टोनर रेडी करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 खीरे। इसको हम पील नहीं करेंगे, विद स्किन यूज़ करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। जैसे इसके टॉप हटा लें और इसको कट कर लीजिए और किसी भी ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लीजिए। और ये टोनर आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपको ग्लोइंग इफेक्ट देता है और आपका सन टैन रिमूव करता है, और समर्स में तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये हमारे कट हो गए। अब इसको किसी भी ब्लेंडर में डाल के हमने ब्लेंड कर लिया, ये पेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम इसको किसी भी स्टेनर में डाल के स्टेन कर लेंगे। ये आपके पास आ गया क्यूकम्बर जूस। ठीक है, अब हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। लेमन आपको सन टैन रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, ये वाइटनिंग इफेक्ट देता है। इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करेंगे और हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे। ये आपका बेस्ट टोनर बनेगा। आप इसको दिन में कितनी दफ़ा चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, 2 टेबलस्पून हमने इसमें रोज़ वाटर ऐड करा। इसको मिक्स करेंगे और ये आपका टोनर हो गया बिल्कुल रेडी। आप इसको किसी भी एम्प्टी बॉटल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रिज में 15 to 20 डेज आप इसको आराम से रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होता है। आप स्प्रे करेंगे थोड़ी देर में सेट हो जाता है और बिल्कुल स्टिकी फील नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ। उसको आराम से आप 15 to 20 डेज अपने फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में। ठीक है, चलते हैं हम क्यूकम्बर जेल प्रिपेयर करते हैं। ये आ गई हमारी क्यूकम्बर जेल। इसको हमने कैसे प्रिपेयर करा है ये देखिए, ये आ गई इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ सबसे पहले हम एक खाली बाउल ले लेंगे, उसमें हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है ये, और स्किन के लिए एलोवेरा जेल वैसे ही बहुत अच्छा होता है, और क्यूकम्बर मिल जाए उसके साथ तो और भी बेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें भर के एलोवेरा जेल ऐड करा है। इसी के साथ ये 1 टेबल स्पून ही हम इसमें क्यूकम्बर जूस ऐड करेंगे। क्यूकम्बर जूस ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून आप ग्लिसरीन ऐड कर दिएगा, और जिनकी बहुत ऑयली स्किन है तो वो ग्लिसरीन नहीं डालिएगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ये आप इसको मिक्स करेंगे और इसको स्किन पे आप रोज़ाना 3 से 4 दफ़ा अप्लाई कर लें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके जो पोर्स हैं ना वो मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप टोनर और जेल दोनों जो है ना यूज़ करिएगा। ठीक है, आप किसी भी एम्प्टी बॉटल में भर दें, इसको भी 15 to 20 डेज आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये आपकी आराम से चलेगी। ये देखिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।